आज हम देखने वाले हैं किडनी का स्ट्रक्चर, बेसिकली किडनी का डायग्राम के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो किडनी का डायग्राम कैसा होता है? बेसिकली देखो, हमने छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किडनी का डायग्राम बीन शेप्ड का होता है, मतलब जो राजमा हो देखा है आपने उस शेप का होता है। तो बेसिकली राजमा पहले तो बना लेते हैं, मतलब वही शेप बना लेते हैं पहले, तो बाहर की थोड़ा इग्नोर करना अगर थोड़ा सा गड़बड़ बन जाए, क्योंकि थोड़ी इतनी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, समझा अच्छा सकती हूँ। देखो सबसे पहले तो इसमें दो पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है, जो अंदर वाला बेसिकली होता है, इधर साइड वाला, ये होता है कॉर्टेक्स, ये बाहरी साइड है। और इधर वाला ये जो साइड होता है, दैट इज नोन एज मेड्यूला। ठीक है, यहाँ पे से हमने एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था, उसमें मैंने बताया था कि किडनी से जो यूरेटर है वो कनेक्ट होती है। तो बेसिकली यहाँ से वो यूरेटर निकली हुई होती है ऐसे, और ये हाइलम होता है, बेसिकली ये वाला पार्ट हाइलम होता है। अभी मैंने बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बताया है कि ये जो इधर वाला पार्ट होता है, दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर वाला जिधर हाइलम होता है, उस पार्ट को हम मेड्यूला बोलते हैं। मैंने, आप भी इसे ऐसे काट करके देख सकते हो। अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने काटा है, ठीक है, यहाँ पे बनेंगे ट्रायंगल। यहाँ पे क्या बनेंगे? ट्रायंगल, जिनको कि आप मेड्यूलर पिरामिड या रेनल पिरामिड बोलते हो। बेसिकली एक वर्ड होता है रेनल, ठीक है, ये आपको बहुत बार किडनी का जब आप डायग्राम पढ़ते हो या किडनी से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ते हो, तो ये वाला वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये बेसिकली किडनी के लिए ही बना हुआ है। जैसे कि गैस्ट्रिक स्टमक, गैस्ट्रिक बेसिकली स्टमक के लिए, वैसे ही रेनल जो है किडनी के लिए। तो यहाँ पे रेनल पिरामिड या मेड्यूलर पिरामिड जिनको बोलते हैं, वो होगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ये पिरामिड है, तो इसके इधर वाला साइड कॉर्टेक्स और इसके इधर वाला साइड जहाँ पे इसकी ये टिप है, वो मेड्यूला वाला पार्ट होगा। अब इससे यहाँ पे जो है, जो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में इधर साइड पे क्या प्रेजेंट होंगे? नेफ्रॉन्स। ठीक है, बेसिकली जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है वो मैं पूरा नहीं बता रही, मैं सिर्फ थोड़ा समझाने के लिए, एक चीज समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, इसके आगे भी ये होता है, बट मुझे ये चीज समझानी है कि देखो यहाँ के ऊपर वाला जो पार्ट होगा, ये वाला, ये कॉर्टेक्स में होगा, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होगा, ये इसको लोब बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, ये जो है आपका मेड्यूला वाले पार्ट में होगा, ये मेड्यूला वाले पार्ट में, तो ये वाला जो पार्ट होता है, दैट इज इन योर मेड्यूला, तो ये मेड्यूला में होगा। और बाकी इधर इस साइड पे क्या होगा? ये ऊपर वाला पार्ट, इसके आगे भी है, बट वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो ये आपका, उसे लोब इसलिए बोला क्योंकि लोब जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। अब यहां से एक निकलती है माइनर कैलिक्स, दिस इज नोन एज माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स। ठीक है, वही आगे थोड़ा सा जाती है और बनाती है मेजर कैलिक्स। ठीक है, वही आगे जाकर के मेजर कैलिक्स बनाती है, और फिर उसके बाद ये वाला पूरा रीजन यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा पेल्विस कहलाता है, रेनल पेल्विस। ठीक है, क्या समझे? ये क्या है? रेनल पिरामिड या मेड्यूलर पिरामिड, भी लिख देती हूँ, रेनल पिरामिड या मेड्यूलरी पिरामिड। ठीक है, मेड्यूलरी पिरामिड या रेनल पिरामिड इसको बोलते हैं। ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ये मेड्यूला वाला पार्ट, ये हाइलम और ये यूरेटर। ठीक है,
ये तो आपको पता है ऑलरेडी। उसके बाद ये रेनल पिरामिड है, इनसे यहाँ पे नेफ्रॉन्स हैं, ये माइनर कैलिक्स। देखो बेसिकली जैसे मैं एक अगर बनाऊं तो ऐसा कुछ होता है स्ट्रक्चर, इसके आगे हल्का सा ये माइनर कैलिक्स, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा और आगे जाएगी मेजर कैलिक्स बनाएगी, और फिर उसके बाद ये ऐसे दो तीन, मतलब दो तीन के बहुत सारे होते हैं तो वो ऐसे मिल करके, ठीक है, पूरा पेल्विस वाला रीजन बना लेते हैं, ठीक है, रेनल पेल्विस। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो कॉर्टेक्स, फिर मेड्यूला, फिर हाइनो। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे ये जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, जैसे रुक जाओ इसमें नहीं बताती, मैं अलग से बता देती हूँ कि जैसे ये है आपका, ठीक है, इसकी ये जो आउटर वाली सरफेस है इसे पूरे को हम क्या बोलेंगे, रेनल कैप्सूल, क्या बोलेंगे, रेनल कैप्सूल। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेनल कैप्सूल बोलते हैं। फिर ये कॉर्टेक्स, ये मेड्यूला, ये पिरामिड, उसमें ही ये माइनर कैलिक्स, ये मेजर कैलिक्स, फिर आगे पेल्विस बन जाता है और वो जाता है हाइलम से यूरेटर के तरफ। यहीं से आपका नेफ्रॉन से ही जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, फिर रीफिल्ट्रे जो क्या कहते हैं, रीअब्सॉर्प्शन होता है, और फिर उसके बाद आ करके यूरिन फॉर्मेशन होकर के यूरेटर के थ्रू, फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा पे जाकर के मैच्यूरेशन हो जाता है। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज रेनल पेल्विस, इसको क्या बोलते हैं, रेनल पेल्विस बोलते हैं। ये हाइलम हो गया और ये यूरेटर हो गया। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है आपका किडनी का। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।